दोस्तों, आज तक हमने और इस समाज ने रामायण को श्री राम के दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, माता सीता को जाना, हनुमान की शक्ति को देखा, रावण के ज्ञान को देखा, लेकिन कभी यह नहीं जाना कि अगर इस कहानी में कोई सबसे अनदेखा पात्र था तो वह थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की बहन उर्मिला। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार जब श्री राम को वनवास मिला तब माता सीता और लक्ष्मण जी श्री राम के साथ में वनवास जाने लगे। तब उर्मिला ने भी साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें लक्ष्मण जी ने अयोध्या में ही रहने का आदेश दिया। दोस्तों, राजा जनक की असीम सुंदरी पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधु उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में हुआ था। वनवास के समय में उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ में वन में जाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें साथ जाने से मना कर दिया। फिर उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, क्योंकि वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर सुख दुख में साथ रहना चाहती थी। पर लक्ष्मण जी ने धर्म की दुहाई देते हुए उर्मिला को साथ जाने से रोक दिया। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए वन जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण सेवा में कोई भी कमी रह जाए। तो इस तरह से उन्होंने उर्मिला को समझाया। फिर दोस्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास चले गए तब उर्मिला ने क्या किया था, दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राम जी और लक्ष्मण और माता सीता के वनवास जाने के बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने क्या किया था। पौराणिक कहानियों के अनुसार शेष नाग के कई अवतारों का जिक्र मिलता है, जिनमें से श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी शेष नाग का ही अवतार था और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम मुख्य हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम ही उनके माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और राम की आज्ञा का पालन करना ही लक्ष्मण का धर्म था। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति कभी भी अपमान सूचक शब्द लक्ष्मण जी नहीं सुन सकते थे। इसीलिए लक्ष्मण जी का वनवास श्री राम से भी अधिक महान माना जाता है। 14 वर्ष तक अपनी पत्नी से दूर रहकर केवल और केवल प्रभु श्री राम की सेवा को ही अपना धर्म बनाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी माता सीता की छोटी बहन थी और सीता जी के विवाह के समय ही उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ था। जब श्री राम और माता सीता के साथ में लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तब उर्मिला ने भी अपने पति लक्ष्मण के साथ में जाने की बात कही। तब लक्ष्मण जी ने उनसे यह बात कहकर उन्हें मना कर दिया कि अयोध्या में माताओं को उनकी जरूरत है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था और वह भी जब वो नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला से उनके साथ जनकपुरी जाने का अनुरोध करने लगे, ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला का पति वियोग थोड़ा कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार कर दिया और कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार उनके परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही मेरा धर्म है। यही उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जी जा रहे थे तब ऐसी स्थिति में भी उर्मिला एक भी आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आंसू ना बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने ही दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि जब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला से
14 वर्षों तक दूर रहे तो इस समय में उर्मिला ने क्या किया? इस संबंध के अनुसार एक कथा सुनने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता। कथा यह थी कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि 14 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचार्य का पालन किया हो और 14 वर्षों तक सोया ना हो वही मेघनाथ को मार सकता है। इसीलिए जब लक्ष्मण जी वन में थे तब वह भगवान श्री राम और माता सीता की सेवा में इस तरह से लगे रहे कि वह 14 वर्षों तक सोए ही नहीं। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम और माता सीता लक्ष्मण सभी अयोध्या वापस लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी शुरू होने लगी। फिर वहां लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। फिर उनसे इस हंसी का कारण पूछा गया तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं सारी जिंदगी इसी समय का इंतजार किया कि मैं श्री राम का राज तिलक होते हुए देख सकूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन भी पूर्ण करना होगा जो उन्होंने वनवास जाते समय दिया था। दरअसल निद्रा देवी ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्षों तक उन्हें परेशान नहीं करेगी। निद्रा देवी ने यह बात उनकी एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या वापस लौटेंगे तो उर्मिला की नींद टूट जाएगी और वह सोएंगे। लक्ष्मण इसी बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने इस रस्म को देखा था। उर्मिला से लक्ष्मण को अंगद तथा चंद्र केतु दो पुत्र तथा सुंदरा नाम की एक पुत्री प्राप्त हुई थी। उर्मिला का पति धर्म एक कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण माना जाता है। दोस्तों, मेघनाथ का कटा हुआ सर राम जी के शिविर में रखा था। तब उसे उसकी पत्नी सुलोचना लेने आई और उसने अपने पति के कटे हुए सर को देखकर सुलोचना का हृदय अत्यधिक विचलित हो गया। वह रोने लगी और रोते रोते उनके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, तुम कभी भूल कर भी ये गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को मारने की शक्ति विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर उर्मिला 14 वर्षों तक सो रही थी तो लक्ष्मण को दिया हुआ वादा कि उनके परिजनों की सेवा उसे कैसे निभाया होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ में 3 कार्य को कर सकती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या में ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें पता था कि जब वह वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को गहरा सदमा लगेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी उर्मिला को अयोध्या में माँ बाप की विकट परिस्थिति में सहारा और उनकी सेवा करने के लिए छोड़ गए। कुछ कथाओं के अनुसार माना जाता है कि लक्ष्मण जी उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके पूर्ण होने की निशानी होती है। विवाहित जीवन के बाद विवाह के वह अनमोल पल जो कोई भी स्त्री अपने पति से अलग होकर नहीं बिताना चाहती, लेकिन शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु कुछ समय के लिए भी अपने पति से दूर नहीं रह सकती, लेकिन देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 वर्षों तक दूर रही थी। भला किसी भी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसीलिए इतने सारे त्याग और बलिदान और कष्ट सहने के बाद भी वचनों में बंधी उर्मिला ने जो साहस किया वो शायद ही आज की कोई स्त्री कर पाए। इसीलिए रामायण के अनुसार अगर जानने की वो कोशिश करें तो उर्मिला पतिव्रता के साथ साथ त्याग और समर्पण का उदाहरण बहुत अच्छा प्रस्तुत करती हैं।